लगातार सजा है और लगी है देश की सबसे बड़ी चौपाल जिसमें हम सब की मौजूदगी है न्यूज एटीन इंडिया की बेहद खास पेशकश न्यूज एटीन इंडिया चौपाल पार्ट बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पार्ट बाय डॉक्टर मोरपन एंड मुथूट फाइनेंस स्पेशल पार्टनर निर्मा एडवांस एंड फूड पार्टनर राजधानी बेसन तो वो देश का सफर आसान कर रहे हैं हाईवे एक्सप्रेसवे के निर्माण में उनकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है वो चाहते हैं कि देश ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर ईंधन के लिए निर्भरता को खत्म किए करे तो बिना देर किए चलिए फटाफट से हम स्वागत कर लेते हैं मोदी सरकार के मिनिस्टर ऑफ परफॉर्मेंस केंद्रीय परिवहन और सड़क यातायात मंत्री नितिन गडकरी जी का नििन जी से बात करेंगे किशोर अजवाणी जी इस बार की चौपाल में भी स्वागत है आपका थैंक यू आप आजकल परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए जाने जाते हैं तो ये इस सरकार के दूसरे कार्यकाल के परफॉर्मेंस का कैसा ऑडिट करेंगे आप दस में से कितने नंबर देखिए फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट क्योंकि जो प्रोग्राम सरकार ने जाहिर किया है और जो जो डिक्लेरेशन किए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ और अगर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कहाँ अटका हुआ है तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से काम हो रहे हैं काम दिख रहे हैं तो 2014 में हमारी सरकार आई और 2014 से आज तक और इसके पहले जो सरकारें थी उनका दोनों का कंपैरिजन करने के बाद आपको ये आसानी से ध्यान में आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस ही केवल नहीं है तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है कि टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो ट्रांसपेरेंसी हो हमारे यहाँ अभी मैं अपने डिपार्टमेंट में अभी तक 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ पर अभी मैं शिपिंग में था वाटर रिसोर्सेस में था रोड में था एक भी करप्शन का चार्ज नहीं है जो सिस्टम है उसमें क्वालिटी करप्शन फ्री सिस्टम फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टीम वर्क और कमियां रहती है अड़चने आती है कभी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के प्रॉब्लम आते हैं कभी लैंड एक्मिशन के आते हैं हम लगातार कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स फिर चर्चा करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसको सुलझाते हैं तो ओवरऑल आसानी से सब काम होते ये हमारे देश में कहीं भी सिस्टम में संभव नहीं है कुछ कुछ भी जैसे आपने ये प्रोग्राम किया है तो इसके लिए प्लानिंग इन एडवांस प्लानिंग इन डिटेल बनाकर फिर उसके एक एक छोटी छोटी जगह पर ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ वर्क एंड डिविजन ऑफ पावर करके फिर एक शो खड़ा होता है तो वैसे हर प्रोजेक्ट में वही है अभी मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि कभी कभी लाइटली काम होता है पर होता है ये दिल्ली में हमारा जो पेरीफिरल रोड है पानीपत से आते समय तो उसके बाद दिल्ली के 1980 के डेवलपमेंट पैन में एक रिंग रोड था और वो रिंग रोड वहाँ से निकलकर तुरंत द्वारका में आता है एयरपोर्ट के पास तो मुझे वो हमारा काम नहीं था पर परमेश वर्मा जी मुझे बहुत बार आग्रह करते थे कि कैसा भी करो एक बार दो बार तीन बार चार बार आए पाँचवीं बार मैंने उनको हाँ कह दिया फिर मैंने मीटिंग बुलाई बैजल साहब थे तो उन्होंने कहा नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिर कुछ जगह लैंड हुई थी कुछ अतिक्रमण था और परसों में जब गया तब तो मुझे बहुत खुशी हुई लगभग वो रोड पूरा हुआ है जहाँ दो घंटे लगते हैं पानीपत से निकल कर दिल्ली जाने के एयरपोर्ट आने के लिए अब वो बीस मिनट में होगा तो पंजाब और हरियाणा उत्तराखंड हिमाचल ये सब ट्रैफिक उधर उधर से सिक्सटी आएगा तो ये जो राजघाट के तरफ और इधर जो भीड़ आती है पूरी शहर के बीच में से ढोला कुआ तक जाती है ये आने का कारण ही नहीं तो ऐसी बहुत सी बातें कि जिसमें वहाँ प्रॉब्लम आए अब जब प्रॉब्लम आया तो चार हजार घर तोड़ने थे हमने उसमें चार सौ घर ही तोड़े और जहाँ घर अतिक्रमण था वहाँ नाले में एलिवेटेड रोड बनाया नाले में बड़ा एट लेन रोड बनाया एलिवेटेड रोड तो परिस्थितियाँ कठिन थी पर हर स्थिति में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया कुछ मार्क निकाले और आप सक्सेसफुल चार महीने में वो उसका इनोग्रेशन होगा तो मुझे लगता है कि यही है एक प्रकार से कि किए हुए काम का मूल्यांकन परफॉर्मेंस और ऐसा प्रोजेक्ट वाइज जब होता है तो निश्चित रूप से फ़र्क दिखता है आप कह रहे हैं कि कोई उंगली नहीं उठ रही लेकिन उधर राहुल गांधी कह रहे हैं उंगली उठाने के लिए आप आवाज़ ही नहीं खोल रहे हमारी माइक बंद कर देते हैं लोकतंत्र ही खत्म है तो कैसे उंगली उठेगी देखिए जो उन्होंने भाषण बाहर दिया उसको लेकर हमारे लोगों के मन में भी भावना है और वो पार्लियामेंट का आज तक का इतिहास ऐसा रहा है कि विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी इनमें नोकझोंक होती रहती है वाद विवाद होते रहते हैं चर्चाएं होती रहती हैं और कभी कभी जब वो एक बात कर रहे और हम एक बात कर रहे हैं तो दोनों के बाद आखिर स्पीकर साहब बोलते हैं ज्यादा अल्लाह औरत तो और माइक बंद कर दो ऐसा है बाकी तो उसमें उनका आवाज थोड़े बाहर बोल सकते हैं बताते हैं चर्चा कर सकते हैं वो बाहर ही बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप चलें आप आप सत्ता बाहर बोले इसका मतलब हमने उनका आवाज नहीं बंद किया है <laughs> ये इसी बात को सिद्ध करता है कि वो बाहर बोल रहे हैं नहीं बोल सकते हैं तो ये बताइए आप राजनीति के स्टूडेंट के लिहाज से 2024 में बीजेपी को कोई हरा सकता है देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए ही चुनाव लड़ती है और जब चुनकर आती है तो पहली बार जो आती है तो आप हमने जो काम किया है पॉजिटिव कार्य किया है उसी के आधार पर लोगों से वोट मांगती है सवाल यह है कि जब लोगों को लगता है कि इन्होंने काम अच्छा नहीं किया तो लोगों की निगेटिव रिएक्शन भी आ सकती है ओवरऑल जो मुझे लगता है कि हमने एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री में हेल्थ सेक्टर में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इवन आयुष्य जैसी योजनाओं को लेकर एस्पोरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में यानी गांव, गरीब मजदूर किसान सब किसी भी सेक्शन में आप जाइए आप टूरिज्म की बात करिए चाहे बुद्ध सर्किट हो चाहे अयोध्या का चाहे मथुरा का हर जगह पर हमने इस समाज के और देश के हित में अच्छी अच्छी योजना बनाकर एयरपोर्ट बनाए से ज्यादा रेलवे स्टेशन बनाए वंदे मातरम ट्रेन आई मुझे लगता है कि ये जो बदलाव दिख रहा है ये बदलाव ही सरकार के कामों का एक परिणाम है और उसी के परिणाम पर हम वोट मांगते हैं तो शायद मैं ये दावा करूं कि कांग्रेस जो साठ पैंसठ साल में नहीं कर सकी वो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में अभी आने वाले नौ साल में उतना काम करके दिखाया उसी के आधार पर लोगों को वोट मांगा तो कोई नहीं हरा सकता हाँ कोई नहीं हरा सकता नहीं ऐसा पॉलिटिक्स क्रिकेट और बिजनेस में एनी थिंग एन हैपन एट एनी टाइम पर एक बात पक्की है कि ऐसा दावा करना कि हमें जीतेंगे ऐसा करना भी उचित नहीं है पर मुझे ऐसा दावा करना है कि हमने जो कुछ काम किया उसके आधार पर भारत की जनता का पॉजिटिव वोट हमको मिलेगा और पहले जितना यश मिला था उससे ज़्यादा मिलकर फिर से एक बार हम चुनते हैं तो ये आप आप कह रहे हैं कि आपका पॉजिटिव काम है इस वजह से ऐसा है वो लोग कोई मुकाबला नहीं दे पाएंगे या वो लोग मुकाबला नहीं दे पा रहे हैं सर ऐसा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसमें जिसमें दम है वो अजमा लें लोकतंत्र है कल एक हाथ आपको भी इच्छा हुई कि अब ये छोड़कर लड़ना चाहे तो आप भी लड़ सकते हैं <laughs> तो चुनाव राजनीति ऐसी होती है कि अभी मुझे मैं क्रिकेट खेलता था तो आपको विशेष सिंह बेदी याद होंगे वो बॉलर थे बहुत अच्छे एक बार वो खेलने के लिए आए और सुबह से 10 बजे से लेकर लंच टाइम तक वही खेलते थे तो ऐसे नाइट वॉचमैन करके और अच्छी बैटिंग उन्होंने की तो राजनीति में भी कभी जनता के मन में क्या आएगा ये बता नहीं सकते और हिंदुस्तान में एक बात ये भी है कि खोट डिविज़न कितना होता है यानी हर पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ है hmm. और इस समय कितने उम्मीदवार खड़े और कितने पार्टियों में वोटों का डिविजन हुआ बंटवारा हुआ वो भी कभी कभी तय होता है पर एक बात है कि हमें मिलने वाला वोट पॉजिटिव है काम के लिए है जात पंथ धर्म भाषा और सेख के से आधार पर नहीं है तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस इसके आधार पर सरकार ने जो कुछ काम किया है उसके आधार पर पॉजिटिव वोट हमको मिलेगा ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है ये ये जो वोट डिवीजन की की आपने बात की। तो आप पे इल्जाम लगता है कि वोट डिवीजन तो आप करवा देते हैं आप बी टीम खड़ी कर देते हैं आप ओवैसी जी को खड़ा कर देते हैं आप के को खड़ा कर देते हैं आप आम आदमी पार्टी को खड़ा कर देते करते किसी को खड़े नहीं करते जी खड़े करने वाले खड़े होकर दौड़ने के लिए देख रहे हैं हमें क्या करना है देखिए हर हर पार्टी चाहती है हम चुनाव लड़े अब वो उनका अधिकार है लोकतंत्र में कोई भी लड़ सकता है तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से कभी अलायसेस भी बनती है एक बात आपको याद होगा मैं जब राजनीति में आया उस साल इंदिरा जी के खिलाफ एक बड़ी आघाड़ी बनी थी उसमें कांग्रेस ओ बीजेपी समाजवादी पार्टी सब मिलकर आए थे लोकदल और फिर भी हार गए चुनाव तो कभी कभी क्या होता है कि पोलरेशन होने के बाद भी जनता जब तय कर देती है तो कभी कभी एक तरफा वोट होता है तो मैं ये आपको बताऊँ कि अल्टीमेटली लोकतंत्र का मालिक जनता है और जनता देख रही है और जनता को क्या करना और क्या नहीं करना है इसके ऊपर वहा आजकल तो मैं देखता हूँ जो यंग जनरेशन जैसी आ रही है वो काफ़ी जिज्ञासा भी रखती है और परिस्थितियों का मूल्यांकन करने की काबिलियत भी रखती है और फिर वो विचार करती है कि इन्होंने क्या किया उसने क्या किया इसमें क्या हुआ सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग बनी है हर बार लोग बहुत अवेयरनेस बहुत बढ़ा है तो स्वाभाविक रूप से अभी कभी ये भी होता है कि घर में पति एक को वोट देती है पत्नी दूसरे को वोट देती है बेटी तीसरी बात करते हैं क्योंकि सबके अधिकार हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट जो प्रत्यक्ष फील्ड पर ग्रासरूट लेवल पर रियलिटी दिखेगी उसी के आधार पर लोग वोट करेंगे और ग्रासरूट लेवल पर ग्राउंड लेवल पर हमने किया हुआ काम जो है वो लोगों के नज़रों में है और सब सेक्टर के लिए किया है निश्चित रूप से उसका पॉजिटिव परिणाम हमको मिलेगा और आप, आप नागपुर से ही लड़ेंगे हाँ आप नागपुर से, से ही लड़ेंगे अब मैं नागपुर का सांसद दो बार वहाँ से चुनकर आया हूँ मैंने बड़े जीत करके बाकी बहुत लोकसभा मुझे उस समय कह रहे थे पर मैंने कहा कि मैं जहाँ रहता हूँ वैसे लड़ूंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट सीट थी अब पार्टी तय करेगी मैं ऐसा कहूँगा नहीं अगर टिकट देंगी तो नागपुर से ही लड़ूंगा बाकी निर्णय पार्टी करेगी क्योंकि आप बार बार कई बार कहते हैं ना कि राजनीति का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है तो वो ल, 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 लोग सोचने लगते हैं कि सर क्या नागपुर से नहीं लड़ेंगे आप नहीं आप मेरी बात को समझ नहीं पाते या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ hmm. मैं अक्सर एक बात बताता हूँ कि पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म और पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स सत्ता कारण ये केवल पॉलिटिक्स समाज कारण राष्ट्र कारण विकास कारण तो मैं हेल्थ सेक्टर में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग में वाटर कॉन्जर्वेशन में मैं करोड़ से ज्यादा काम करता हूं। पर जब भी मुझे मिलते हैं तो रोड टनल और ब्रिजेस की बात करते हैं अभी मुझे छः यूनिवर्सिटी ने बड़ी टॉप डिलीट दी है उसमें से एक भी डिलीट मैंने रोड और टनल के लिए नहीं मिली है एग्रीकल्चर साइंस के लिए तीन मिली है वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ अभी प्लांटेशन कर रहा हूँ बाम्बू का मेरी कल्पना है कि रोड में मैं ऐसी ग्रीन टनल तैयार करूँ कि बाम्बू से पूरा रोड ऐसा टनल ऐसी बने कि ग्रीन बन गया तो बहुत ऐसी है भाई अभी मैं बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया फिर रबर पाउडर हम बिटूमिन में यूज़ कर रहे हैं दिल्ली की गाजीपुर की टेकड़ी बीस मीटर नीचे चली गई हमने पूरा बीस लाख टन कचरा अभी वो रोड में डाला है फिर अहमदाबाद डोल रो रस्ते पर बीस लाख टन कचरा डाल रहे अभी मैं पूरा कचरा रोड में कैसे डालना उसकी योजना बना रहा हूँ फिर मैं पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव में तो 2004 से काम कर रहा हूँ हाइड्रोजन पे काम कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पर काम कर रहा हूँ इथेनॉल मिथेनॉल बायोडीजल परसों मैंने बंगलोर में मिथेनॉल पर चलने वाला अशोक लेलन का ट्रक लॉन्च किया फिर बंगलोर की बसेस जो है वो पंद्रह परसेंट डीजल में मिथेनॉल डालने का वो हुआ अभी इथेनॉल के फ्लेक्स इंजन की टू व्हीलर्स आई तो मैं पोल्यूशन में जैसे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी बहुत से इनिशिएटिव हमने रोड में लिए अभी प्लास्टिक हम लोग सात परसेंट डाम्बर में डाल रहे हैं और अभी सबसे अच्छी बात ये परली जो जलाते हैं पंजाब हरियाणा में तो मैं अभी एक स्कीम लॉन्च कर रहा हूँ कि इस देश का किसान अभी राइस स्ट्रॉ जो है परली है उससे विटोमिन बनाएगा बायो बिटोमिन सेवेंटी परसेंट mm -hmm. बायो विटमिन थर्टी परसेंट बायोचार दैट इज ऑर्गेनिक कार्बन और आपको मुझे बता दे मैं ऐसे सोचता हूँ कि इस देश को अस्सी लाख टन विटोमिन लगता है पचास लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है और तीस लाख टन बिटोमिन ये इम्पोर्ट होता है अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पच्चीस करोड़ का इम्पोर्ट होता है ये पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान तैयार करेगा ट्रैक्टर मोल्डेड 20 लाख का यूनिट है और अब किसान कहेगा कि इस साल मुझे 500 टन गन्ना हुआ मैं 100 क्विंटल गेहूं हुए और 60 टन मैंने इस समय बिटुमिन कराया तो किसान ये अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता भी बनेगा ऊर्जादाता नहीं तो अब बिटुमिन दाता भी बनेगा तो ये अलग अलग प्रकार के जो प्रयोग हैं मैं करते रहता हूँ अब तो, फिर आप ये एक सवाल आपसे बार बार पूछा था अब ये इलॉन मस्क साहब के टेस्ला को आप आने नहीं देते हैं देखो मैं, ने, ने, मैं आपको एक बात बताता हूँ आप पहले एक बात को समझ लो वर्ल्ड के सब रेप्यूटेड ब्रांड एक टेक्सला को छोड़कर यहाँ है अब हमारे यहाँ क्या है कि हमारा टोटल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है और अभी वो पांच साल के अंदर 15 लाख करोड़ होगा हमारे ट्रैक्टर हमारे ट्रक हमारी बसेस अभी हमारी बसेस भी एक्सपोर्ट हो रही है ऑस्ट्रेलिया गया था मैं ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ से बसेस जा रही है इलेक्ट्रिक की और आने वाले समय में हमारी स्कूटर जो है टी वी एस बजाज और हीरो की पचास टक्के एक्सपोर्ट होती है और हमारे पूरे साढ़े सात लाख करोड़ में साढ़े तीन लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है और ये ऐसी इंडस्ट्री है कि इसने साढ़े चार करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है और देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी राज्य सरकार और भारत सरकार को देने वाली ये इंडस्ट्री है अब प्रश्न ऐसा है कि हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है क्योंकि हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते थे कॉपर इंपोर्ट करते थे रबर इंपोर्ट करते थे स्टील इंपोर्ट करते थे अब हमारे देश में पंद्रह साल के पुराने व्हीकल स्क्रैप होंगे और गवर्नमेंट ने तो कहा हमारा पंद्रह साल के बाद टेस्टिंग है जो आपको स्क्रैप ही करना पड़ेगा फिर राज्य सरकार भी कर रहे हैं तो पूरी एल्यूमिनियम कॉपर रबर स्टील सब हमको मिलेगा हमारे ऑटोबेल कंपोनेंट की कॉस्ट तीस परसेंट कम होगी और वर्ल्ड के सब ब्रांड्स हमारे यहाँ सबसे अच्छी हमारी ऑटोबाइल इंडस्ट्री है तो हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट होगा और नए साढ़े तीन से चार करोड़ जॉब क्रिएट होंगे अब इसमें टेक्सला को आने के लिए कोई अड़चन नहीं वो आए और शुरू करें इंडिया का मार्केट डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मैं इसी होटल में आपके साथ भी काम किया तो मुझे लोग पूछते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी रास्ते में बंद पड़ी तो कैसा होगा फिर चार्जिंग कहाँ होगा अब कोई नहीं पूछता अब तीन साल की वेटिंग लिस्ट है तो टेक्सला भी आया डाले टेक्सला का कहना ऐसा है कि मुझे कंसेशन चाहिए जब कंसेशन चाहिए तो यहाँ फैक्ट्री डालनी चाहिए तो कहा कि हम चाइना के प्लांट में प्रोडक्शन करेंगे और हिंदुस्तान में बेचेंगे आप हमको कंसेशन दो हमने कहा हमारे यहाँ अगर डालोगे तो आपको कंसेशन मिलेगा वहाँ का माल ट्रेडिंग करके यहाँ लाओगे तो आपको नहीं मिल पाएगा इतनी बात है आज भी वो आना चाहते हैं अपनी फैक्ट्री डालना चाहते हैं ही इज़ वेलकम डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एक कहा एक जाता है कि आप जो ये इतने किलोमीटर गिनवा रहे हैं ये गिनवाने का सिस्टम आपने बदल दिया है पहले की सरकारों में अगर एक छः लेन का एक किलोमीटर बनता था तो वो एक किलोमीटर गिना जाता था आप छः लेन के एक किलोमीटर को छः किलोमीटर बताते हैं कि एक एक लेन का एक एक किलोमीटर ये पूरी गलत है यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो किलोमीटर गिनने की पद्धति थी उसी पद्धति से आज गिना जाता है इसमें कोई बदल नहीं हुआ तो वो चार्ज गलत लगा रहे वैसे ही है वर्ल्ड में पद्धति यही है और उसी के प्रकार से कैलकुलेशन होता है जो यूपीए सरकार में था वही आज है और हमने कोई बदल नहीं किया है और अभी हमने छः वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं हमारे विभाग ने पहली बार और उसमें से आज निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि कोविड के पीरियड में भी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किए अब आने वाले समय में इसे आगे जाने की कोशिश करेंगे इस बार मार्च एंड में थोड़ी डिफ़िकल्टीज है पर देखते मार्च के एंड तक कितने किलोमीटर कंस्ट्रक्शन अवार्ड होगा और कितना रोड का काम होगा रोड के साथ साथ आप रोप वे पर भी बहुत काम कर रहे हैं जो रोप वे पहले एक ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर बहुत कम देखा गया है इस देश में देखिए एक आपको मैं बताता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट हर रीजन हर स्टेट के अनुसार रिक्वायरमेंट अलग है रोप वे केबल कार फेनेकुलर रेलवे अभी मैं विशेष रूप से लद्दाख और लेह में तीस जगह आइडेंटिफाई की है वहाँ मैं फेनिकुलर रेलवे बनाने का पहला पायलट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अब उसमें जो रेलवे का डब्बा ऐसा जाएगा उसमें नीचे में भेड़ बकरी रहेगी और ऊपर में सामान रहेगा और ऊपर में लोग बैठेंगे और वो गाड़ी ऊपर चढ़ेगी अब जो डीजल फूक कर जो गाड़ी घूमती है ऐसी घूम घूम के जाती है उसमें बहुत समय जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसी पे ऊपर जाएंगे तो लोगों के जीवन को हम सुसै बना सकते हैं तो जो कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड अरुणाचल या कुछ जगह पर हम लोग रोप वे केबल कार बना रहे हैं अभी बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और अभी आप केदारनाथ जा ही नहीं सकते तो केदारनाथ में हम केबल कार बना रहे हैं फिर अभी वाराणसी में काफ़ी इसमें स्टेशन से डायरेक्ट मंदिर तक हम लोग बना रहे हैं और लगभग अभी काम शुरू हो जाएगा तो ये क्या है कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी कौन से अभी मेरा एक सपना था अभी मैं नहीं कर पाई ये जो होटल के सामने धौला कुआ आता है तो बीच वाले रोड में धौला कुआ से मानेसर तक एक हवा में चलने वाली डबल डेकर बस चलाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं हवा में मतलब ऊपर में पूड़ेगी हाँ नहीं नहीं हुँ. वो रोड के बीच में एक पिलर होगा अच्छा। उसके वो उलगकर केबल पर लटकेगी 200 लोग बैठेंगे और वो दौड़ती हुई जाएगी गाड़ी के तो ट्रैफिक जाम ही नहीं होगा वैसे ये रोड का पचास टक्के ट्रैफिक अभी ये जो रोड मैंने कहा दिल्ली का ये बनने के बाद कम हो जाएगा हाँ मतलब आम भाषा में तो उड़ने वाली बस ही कही जाएगी अगर हवा में चलेगी तो बहुत ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना चाहिए आप भी इसमें सहयोग करिए आप हर आदमी गाड़ी ले रहे हैं हिंदुस्तान में 30 करोड़ गाड़ियां हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मजाक में कभी दूंगा हमारे यहाँ इनहेरेंट एक्सपर्टाइज है पॉपुलेशन ग्रोथ और ऑटोमोबाइल ग्रोथ <laughs> अब वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो पार्किंग कहाँ होगा तो अभी एक बंगलोर में मैंने एक बिजनेस क्लास की आ, स्लीपर कोच वॉल्वो का को लॉन्च किया फिर एक बिजनेस क्लास बस लॉन्च की तो धीरे धीरे लोग यहाँ से गुड़गांव जाना तो एक ही बस में अगर पचास लोग बैठे और अच्छे एयर कंडीशन गाड़ी होगी लैपटॉप में बैठ अगर जाएंगे चाय पीते हुए तो लोग अपनी गाड़ी यूज़ नहीं करेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा ये देश की आवश्यकता है और उससे प्रदूषण भी कम होगा ये जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ एक आदमी बैठ के गुड़गांव जा रहा है एक आदमी बैठ के नोएडा जा रहा है उसके बजाय हम लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी करें कल मैं नागपुर में मुख्य देवेंद्र जी और मैं कार्यक्रम में गए थे और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम हुआ तो सामने स्टेशन था तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग आगे आगे ले कार्यक्रम के लिए मेट्रो में जाएंगे तो हमने छोड़ दिया हमारी गाड़ियाँ और सब मेट्रो में बैठे और वहाँ तक पहुँच गए तो धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना प्रदूषण को कम करना और उसकी कॉस्ट भी कम होगी अभी जो इलेक्ट्रिक की बसेस आ रही है अब देखो डीजल बस चलती है एक सौ पर किलोमीटर कॉस्ट है और इलेक्ट्रिक बस नॉन ए सी थर्टी रुपीस पर किलोमीटर और ए सी बस फोर्टी वन पर किलोमीटर पूरे दिल्ली और देश में अगर इलेक्ट्रिक ए सी बस घूमेंगी तो हम लोग लग्जरी बस देकर एग्जिस्टिंग टिकट रेट को 30 परसेंट कम करके लोगों को कंफर्ट दे सकते हैं तो नेचुरली टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रदूषण को कम करना कॉस्ट को कम करना और लोगों को ज़्यादा कंफर्ट देना इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने में ज़्यादा फायदा है अब तक राजनीति में ऐसा देखा गया था ये वाले जो विभाग होते थे जैसे आपका है इसमें आपके पास भी प्रेशर आते होंगे कि फला इलाके में ज़्यादा करना है वहाँ बीजेपी का इलाका है वो कांग्रेस का इलाका है वो समाजवादी पार्टी का इलाका है तो उस हिसाब से काम बांटते हैं आप या नहीं मैं नहीं बांटता और आपको एक मैं अच्छी बात बताता हूँ आप जो भाजप के घोर विरोधी हैं उनका एक कार्यक्रम करिए और सबको पूछिए आप किसी भी पार्टी वाले एम को पूछिए जो बीजेपी की बीजेपी को मत बीजेपी तो बोले खुशी है सब आपको एक तकरार नहीं मिल जाएगी इसका कारण मैंने कहा है हमारे अधिकारियों को कि देश सबका है इसमें राजनीति नहीं है चाहे केरल हो चाहे अरुणाचल प्रदेश हो चाहे मेघालय हो चाहे त्रिपुरा हो चाहे महा अभी केवल दिल्ली में मैं साठ हजार करोड़ रुपए के रोड बना रहा हूँ केवल दिल्ली के आजू बाजू में मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो छः हजार करोड़ रुपए मैंने यमुना के जल जो जल शुद्धिकरण प्रोग्राम के लिए दिए पैसे दिल्ली सरकार को तो मुझे हम ये कभी हमने किया नहीं और करेंगे नहीं जहाँ तक सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही है और हम लोग इसमें राजनीति नहीं करते और इसका सबसे अच्छा है कि जब पार्लियामेंट में हमारे डिपार्टमेंट में चर्चा हुई तो पचहत्तर एम बोले उसमें से सिक्सटी सेवेंटी परसेंट विरोधी पार्टी के थे न हमारे विरोधी थे सब लोगों ने एक मुख्य स्वर में डिपार्टमेंट का अभिनंदन किया धन्यवाद दिए एक ने भी तकरार नहीं की क्योंकि इसमें हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे और करेंगे नहीं पर ये आपकी सरकार इस पॉलिटिक्स के लिए नहीं जानी जाती आप इसके लिए जाने जाते हैं कि आप सबको साथ लेके चलते हैं विरोधियों में भी बाकी आपकी सरकार से तो विरोधियों की यही शिकायत रहती है कि पूरी तानाशाही लगा रखी है नहीं मैं तो जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास उसमें विपक्ष शामिल है हाँ बिल्कुल सब मिलकर देश आगे ले जाना चाहिए देखिए ये देश भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का नहीं है ये देश एक करोड़ जनता का है और हमें जब सत्ता में आना है तो इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए और सबके विकास के लिए काम करना है हाँ एक जरूर है कि हमारे घर में हमारी पार्टी थे हमारे विचार निश्चित है इसमें कोई सवाल नहीं उठता आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई कन्विक्शन और मेरी पार्टी और मेरी विचारधारा पर मेरी पूरा विश्वास है और श्रद्धा है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं पर काम करते समय जो सही काम है वो सबका होना चाहिए और जो गलत काम है वो अपने का भी नहीं करना चाहिए यही सीख सिखाई तो जो इल्ज़ाम लगता है वो ये कि और दूसरी एक बात बता दो जिस बात के लिए हमारी सरकार का मुझे अभिमान है मैं 50 लाख करोड़ रुपए के अभी तक काम कर चुका हूँ आप कितना भी ढूंढिए आपको एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलेगा कि काम लेने के लिए मुझे मंत्री जी को मिलना पड़ा और कुछ देना पड़ा ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ तो इतने बड़े बड़े काम करने में करप्शन फ्री ट्रांसपरेंट टाइम बाउंड रिजल्ट ओरिएंटेड और क्वालिटी हाँ एक बात जरूर है कि क्वालिटी का काम अगर किसी ने नहीं किया तो उसने मेरी गालियाँ बहुत खाई होगी <laughs> मैं नहीं छोड़ता उसको क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि दीज आर द एसेट ऑफ तो आवर कंट्री हम उसके जनता उसके मालिक है तुमने तो खराब काम किया तो याद रखना और इसलिए बहुत से अच्छे जो आप मुझे मैं आपको निमंत्रण दूंगा कि आप अभी लद्दाख ले में अपने उसके बाद में जोजिला टनल है हमारी जो कारगिल के नीचे वो देखने के लिए आई है आशिया की सबसे बड़ी टनल है और बारह हज़ार करोड़ जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट थी वो हमने पाँच हज़ार करोड़ में बनाई है अभी माजोली आइलैंड में ब्रिज बना रहे हैं छः हजार करोड़ का था वो छः सौ अस्सी करोड़ में बना रहे हैं अभी झेड़मोर टनल पूरी हुई है तो हमने एक देखा कि काम भी अच्छा होना चाहिए और अभी एक बात का मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन रहता है कि सरकार में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इम्प्रूव होना चाहिए पर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने का जो प्रयास है वो नहीं होता जैसे ये 20 लाख टन कचरा डाला अगर ये नहीं डालते और एग्रीगेट लाते तो पैसा बढ़ता है आम के आम गुठले के दाम वो गाजीपुर का टेकड़ी मैं तो बोला हूँ ना दो तीन साल के अंदर दिल्ली में तीन टेकड़ियाँ है कचरे की तीनों खत्म कर देंगे तो लोगों को एयर पोल्यूशन यानी एयर अच्छी शुद्ध हो जाएगी कचरा हट जाएगा वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन साउंड पोल्यूशन अगर इसमें अच्छा काम हुआ तो दिल्ली का जीवन कितना अच्छा हो जाएगा वो दिल्ली सरकार वाले कहते हैं हम हटा रहे हैं पहाड़ आप कह रहे हैं आप हटा रहे हैं पहाड़ तो मैं कुछ बोल रहा हूँ जाके देखो दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम आपका है अब मैं जो रोड के नाम ले रहा हूँ जो यमुना के लिए मैंने कहा कि 6000 करोड़ दिए कितने प्रोजेक्ट है वो सब देख लो देखिए उन्होंने भी कुछ काम किया होगा हमने भी काम किया होगा जो उनका काम है वो उनका है हमारा काम हम दोनों मिलकर हम देश के लिए जनता के लिए अच्छा काम करें और अच्छा काम करने के बाद जनता के अदालत में जब जनता को तय करना है वो तय करेगी किसको वोट देना है पर काम करने में हम लोग मिलकर का अच्छा काम करें यही राजनीति में भाव होना चाहिए उनके उनके ऊपर तो एडी और सीबीआई का चक्कर चल रहा है ना वो कह रहे हैं हमारे ऊपर तो ईडी सीबीआई लगा रखी है उनको ईडी सीबीआई को बीजेपी वालों का भ्रष्टाचार दिखता नहीं है देखिए ये सब बातें जो होती है उसका जवाब जिन एजेंसी ने कार्रवाई की वो बता सकती है मुझे तो अगर कानून अपना काम करता है और इसलिए कानून के आधार पर अगर वो निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे दोषी होंगे तो उनको शिक्षा होगी ये बताइए कि दिल्ली आपको पसंद नहीं थी अब आप, हमने कई बार ही बात कही अभी आप दिल्ली वाले नाराज हो जाएंगे लेकिन दिल्ली वाले तो अब आप भी हो गए देखिए मैं एक्चुअली मेरे क्षेत्र में काफी प्रकल्प प्रोजेक्ट्स में काम करता हूं <laughs> और मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था लीडर ऑफ था तो वो कारण बहुत अलग थे हास्यास्पद थे <laughs> मैं दिल्ली में किसी के घर जाता था तो आलू पराठा और पनीर तो ही मिलता था तो मैं बड़ा खाने का शौकीन हूँ मुंबई में रोज रात को नए नए जगह पर खाते थे तो मैं बोला दिल्ली में कहीं भी जाओ तो पनीर मिलता है कहीं भी जाओ तो आलू पराठा मिलता है तो मैं बोला दिल्ली से वो अच्छा है तो वो एक फनी रीज़न था पर अभी मैं दिल्ली आया हूँ अब दिल्ली डेस्टिनी बनी है अब दिल्ली के साथ एडजस्ट हुआ हूँ केवल दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति देना एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से मुक्ति देना आज दुनिया में दिल्ली का नाम वर्ल्ड में से पोल्यूटेड शहरों में बहुत ऊपर गया हुआ है और मैं मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से जो जो प्रयास हम कर रहे हैं उससे आने वाले दो साल के अंदर दिल्ली का प्रदूषण 60-70 टक्के कम हो जाएगा परली जलेगी नहीं पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक इथेनॉल मिथेनॉल फ्लेक्स इंजेंस आएंगे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर नया बन रहा है साठ हज़ार करोड़ का तो मेरे डिपार्टमेंट काम हो रहा है दिल्ली में ट्रैफिक जाम ख़त्म होगा दिल्ली का हमने एक स्टडी किया कि कौन से कौन से चौक में कहाँ ट्रैफिक होता स इलेक्ट्रॉनिक स्टडी किया मैं आपको दूंगा और हमने उसके उपाय ढूंढे कि ये कैसे हटाया जा सकता है उसके आधार पर कार्यक्रम तय किया और वो सर्वे मैंने दिल्ली सरकार को भी दिया है कि आप भी इसके अंदर अभी दिल्ली में मैं 900 करोड़ रुपए देने वाला हूँ भारत सरकार के मेरे डिपार्टमेंट के सी के पैसे से नौ हज़ार करोड़ कर दूंगा और मैंने तय किया कि दिल्ली की पूरी फुटपाथ इसमें मिट्टी कहीं ना दिखे पेड़ लगे फुटपाथ सुंदर हो चलने की सुविधा हो साइकिल ट्रैक कुछ बन सकता है तो बनाए और मैं इसके लिए हज़ार करोड़ रुपए सेंट्रल रोड फंड से दिल्ली को देने वाला हूँ दिल्ली के एम हमारे दिल्ली सरकार के बांधकाम मंत्री और एल साहब को सबको बुलाकर इसकी योजना करके निश्चित रूप से दिल्ली सुंदर बने दिल्ली कोई पार्टी की नहीं है दिल्ली देश का गौरव है देश का सम्मान है दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाना और दिल्ली को सुंदर बनाना दिल्ली की यातायात ट्रांसपोर्ट को करना हम सब का काम है और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो दिल्ली बदल जाएगी दिल्ली के पास यूपी है और आजकल बुलडोजर की बड़ी बात हो रही है लेकिन बुलडोजर आपके ज़माने में जब आप महाराष्ट्र में थे तब भी चलता था और आपके डिपार्टमेंट भी बहुत चलाता था मैं तो चलाता हूँ आप कभी नागपुर आएंगे तो मैंने पूरे शहर के अंदर के जैसे वो चांदनी चौक जैसे रोड थे पूरे बड़े कर दिए और मेरा अनुभव है कि घर तोड़ने से पब्लिक सपोर्ट ज्यादा मिलता है अच्छा। <laughs> कोई ऐसा घर आपने तोड़ा हो जिसमें आपको नुकसान पड़ गया हो पर्सनल मैंने <laughs> मेरे ससरे का घर तोड़ा था अपने अपना ससुराल हाँ ससुराल तोड़ दिया आपने तोड़ डाल मेरे वाला एक नई थी अधिकारी आई ऑफिसर थी आजकल वो भारत सरकार में राधा करके थे रामटेक में थी तो मैंने कहा चुने की रेशा तोड़ो लखो और जो पार्टी फार्टी कोई होगा तोड़ डालो सबको तोड़ गया तो उन्होंने आपको बताया था कि आपका आपका ससुराल का घर है जो है वो तोड़ने जा जाने बताया मैंने कहा मैंने आपको क्या कहा कि चुने की रेशा डालो और जो अंदर आता है उसको तोड़ दो अभी मैं यहाँ गया था ना ये दिल्ली मुंबई हाईवे तो अपने राव इंद्रजीत सिंह हैं इनके ससुर का घर था वो जो सोना के पहले तो बीच में अधिकारी आए मेरे पास तो मैंने उनको फोन किया उन्होंने कहा बिल्कुल उन्होंने अपने उनको समझाया और उनका भी घर तोड़ा और रोड बड़ा किया हम उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कोई जो रोड के बीच में आता है मेरी इंस्ट्रक्शन है चिंता नहीं करना तोड़ डाल कई लोगों को तो ससुराल का तोड़ने में मजा भी आता है नहीं <laughs> नहीं वैसी मजा लेने के लिए मैंने नहीं किया था तो मुझे मेरे पत्नी ने कहा था कि आप पहले बोल देते तो हम तोड़ देते आपने बताया तक नहीं ऐसा घर तो कैसे आप डरते हुए गए उस दिन नहीं <laughs> उसका भी समझ आया कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट में है कोई मैंने किसी का घर द्वेष भावना से नहीं तोड़ता अब रोड बड़ा बन गया तो लोग खुश हो गए आप दे अभी ये जो रोड बना है जो नया नया जो पानीपत के बाद आता है इसमें चार हजार घर थे आप जरूर एक बार अभी उसको देखने के लिए जाइए मुझे भी पता नहीं था कि वो सीधे रोड से आकर यहाँ दो घंटा सवा दो घंटा लगता था और जब मुझे परवेश वर्मा ने कहा कि मैं बीस मिनट में पहुंचता तो हूँ वो रोड पूरा देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि लोगों को चक्कर काट के जाना पड़ता था ये पब्लिक इंटरेस्ट है तो यानी जो ये भारत जोड़ने का काम आप सड़कों से कर रहे हैं और जो सड़कों पर चल के जो भारत जोड़ रहे हैं उनको क्या कहेंगे देखिए हमारा देश जो है मैं अपने मुंबई में जब मंत्री था तो मुझे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट 55 फाइव फ्लाई ओवर्स मुंबई पुना एक्सप्रेस हाईवे ये सब बनाने का मौका मिला तो मुझे एक इंजीनियर ने एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक सेंटेंस दिया था जो मैंने अब रख लिया और फिर अपने ऑफिस में लगा और यहाँ भी लगाया उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच बस अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड अभी ये जो रोड की मैंने बात की उसके आजू बाजू में सोनीपत और पानीपत के उधर जो लिंकिंग रोड बना रहे हैं वो एक्चुअल रोड 35 किलोमीटर है और जोड़ने वाले रोड और करीब 40-45 किलोमीटर बना रहे हैं तो छहत्तर किलोमीटर का काम है तो वहाँ की लैंड रेट अभी तीन गुना बढ़ गई चार गुना बढ़ गई और वहाँ के किसानों को एक एक प्रकार से नए उस रोड बनने से वहाँ की डेवलपमेंट शुरू हुई अब मुझे सब एम बता रहे थे कि अब नई दिल्ली जो है वो उस साइड में लोग अभी घर ले रहे हैं और वहाँ एक्स्टेब्लिश होंगे क्योंकि बीस मिनट में एयरपोर्ट आएंगे तो कहीं ना कहीं रोड बनने से प्रगति होती है विकास होता है रोड ये एक प्रोग्रेस विकास का मार्ग है और उससे नए रोजगार निर्माण होते हैं इंडस्ट्री आती है लॉजिस्टिक पार्क बनते हैं स्मार्ट शहर बनते हैं इससे धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने से ही धीरे से गरीबी दूर होती है तो मुझे लगता है कि इसका फायदा निश्चित रूप से सबको मिलेगा ये एम्प्लॉयमेंट की आपने बात की रोज़गार को लेकर इतना मुद्दा बनाया जा रहा है कि रोज़गार जो है आ, वो कम हो रहा है सरकार में या रोजगार उतना नहीं हो रहा है जैसे वादे किए गए थे दो करोड़ हर साल के आपके डिपार्टमेंट में क्या आप कुछ इस तरह का ऑडिट भी रखते हैं कि इससे रोजगार कितना हो रहा है देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी वाले का मैंने भी एग्जीबिशन एक बीस पच्चीस दिन के पहले लॉन्च किया था उद्घाटन किया था एटोवेल इंडस्ट्री का भी किया था उनका सेल दुगना हो गया अब दुगना हो गया इसका मतलब ऐसा है कि उतने वेंडर्स को काम मिला उतने लोगों को काम मिला सीमेंट और स्टील देश का 40 परसेंट सीमेंट और स्टील हमारे हमारे डिपार्टमेंट यूज़ करता है फिर सीमेंट और स्टील तैयार करने वाले फैक्ट्री में लाखों लोगों को रोजगार मिला है मेरा आपको यही कहना है कि ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है कहीं भी जब इंडस्ट्री आती है तो इंडस्ट्री आने के लिए चार बातें जरूरी है वाटर पावर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चार बातें होगी तो उद्योग आएंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएंगी उद्योग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार आएगा और रोजगार आएगा तो गरीबी दूर होगी और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने जो ग्रोथ रेट बढ़ाया जो सात आठ परसेंट तक जे ग्रोथ रेट आया उसमें कोविड के समय आई थी उसके कारण नए रोजगार मिले नई वेल्थ मिली रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ा आप देखिए जीएसटी का रेवेन्यू कहाँ से आया उद्योग व्यापार बढ़ने के कारण आया आज जीएसटी के बारे में जो टारगेट रखे थे सब पार हो गए इसका मतलब है ये है कि हमारी वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और हम बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और अभी हमने कॉन्सेंट्रेट किया है पाँच सौ एस्परेंट ब्लॉक्स और एक सौ चौबीस एस्परेंट डिस्ट्रिक्ट जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है उनके विकास के लिए हम लोग अभी प्रायोरिटी दे रहे ताकि भारत में शहरों का भी विकास हो गांवों का भी विकास हो गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो और इसी आधार पर समतोल विकास करने के लिए कोई जिला कोई ब्लॉक कोई ऐसा पिछड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए अभी उत्तर प्रदेश में मैं मजाक में कहता हूँ आपको मैंने परसों योगी जी को कहा कि मैं मुंबई का हूं तो मुंबई में उत्तर प्रदेश से खूब लोग आते हैं एक जौनपुर जिले से ही लाइन लगा के लोग हैं तो मैंने कहा कि अब ये समय आया है कि लोग मुंबई से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ लौटने लगे वो खुशी से नहीं आए थे मजबूरी से आए थे अब जब यहाँ डेवलपमेंट शुरू हो गई इंडस्ट्री आ गई रोजगार आया अब यूपी में चौंतीस लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई ये इंडस्ट्री आएगी तो नेचुरल लोग वहां से यहां आएंगे और यूपी का विकास होगा तो सब जगह होगा अभी दिल्ली है मैं आपको एक मजाक में बात बताता हूं मैं दिल्ली से आगरा हाईवे है फिर आगरा से ग्वालियर मैं एक हाईवे बना रहा हूं ग्रीन एक घंटे में और वहां मैं एक चंबल एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ जिसका अटल प्रोग्रेस वे नाम शिवराज जी ने रखा है जो इटावा से शुरू होगा और कोटा तक जाएगा ये पूरा चंबल के आजू बाजू से जाता है वहां इतनी लैंड पड़ी है कि खाली पड़ी है कुछ नहीं वाला पेड़ है ना कुछ नहीं है तो मैंने शिवराज जी को कहा कि नोएडा या गुड़गांव से साढ़े तीन घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं तुम ऐसी पॉलिसी डिक्लेयर करो कि जो भी यहाँ इंडस्ट्री डालेगा उसको जगह मुफ्त मिलेगी तो काफ़ी लोग आ जाएंगे तो वो पूरा पिछड़ा हुआ क्षेत्र विकास हो जाएगा वहाँ पानी बिजली और जगह मिल जाएगी और दिल्ली से तीन घंटे साढ़े तीन घंटे के डिस्टेंस में होगा तो लोग फैक्ट्री अपनी वहाँ डालेंगे अब नोएडा में और गुड़गांव में कितनी कॉस्ट बढ़ गई है तो नेचुरल ऐसी डेवलपमेंट होती है अब हम रोड के बाजू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना रहे हैं लॉजिस्ट दो लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं अब बस पोर्ट बस स्टेशन है तो बस पोर्ट बना रहे हैं तो इससे रोजगार भी निर्माण होगा लोगों को सुविधा भी होगी और निश्चित रूप से ये नए इनिशिएटिव जो लिए सरकार ने इसका काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा चलिए आखिर में एक दो ऑडियंस से कुछ सवाल हैं वो ले लेते हैं जी पूजा Uh, गडकरी साहब आप आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस मीटिंग में अचानक आ गई मैं अमेरिका में रहती हूँ और बदकिस्मती से मैं हिंदुस्तान में वोट नहीं दे सकती इसलिए मैं टोटली इम्पार्शल ऑडियंस हूँ यहाँ पर और मैं आपके दफ्तर अपने भाई के साथ एक बार आई थी और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं मेरठ जाती हूँ मेरे माता पिता नब्बे साल के हैं मैं उनको मिलने के लिए जाती हूँ मुझे चार घंटे लगते थे आज मैं अपने दिल से आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ आज लोग शाहरुख खान को प्यार करते हैं ऋतिक रोशन को प्यार करते हैं मैं तो दिल से आपको बहुत प्यार करती हूँ और आप जब भी कहिएगा मैं अमेरिका छोड़ के आपके इलेक्शन में लड़ने के लिए गाने के लिए गाना गाती हूँ जब कभी कहिएगा मैं सारी रात गाऊंगी आपके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा कोई सवाल नहीं है मेरा सिर्फ दिल से धन्यवाद जैसे है। इन्होंने बताया मैं अभी दिल्ली मेरठ मुझे दिल्ली की जागरूकी कम मालूम है एरिया मालूम नहीं है नाम मालूम yeah. नहीं है मैं एक बार बद्रीनाथ केदारनाथ गया hmm. ऐसा तंग हो गया मुझे साढ़े नौ दस घंटे लगे थे अब परसों में फिर गया दिल्ली से देहरादून तक और अब मैंने आपको और खुशी की बात बताता हूँ कि अब मेरठ में साढ़े चार घंटे लगते थे अब चालीस पैंतालीस मिनट में हो रहा है पर अब मैं मेरठ में जाने के बाद जो रास्ता है बीच में वो रिंग रोड बनाया था वो भी सब मेरठ बन गया तो वहाँ बाईस किलोमीटर में एलिवेटेड रोड बना रहा हूँ और उसके बाद इस पूरे रोड को अप टू डेहराडून फोर लेन के बजाय सिक्स लेन बना रहा हूँ और उसके साथ दिल्ली से देहराडून ये अक्षरधाम से नया रोड बना रहा हूं जिसमें आप केवल दो घंटे में डेराडून पहुंच जाओगे और मुझे बहुत खुशी है कि एक लड़का मुझे मिला कि मैं दिल्ली में मैंने फ्लैट लिया था मेरठ का था ऐसे कार्यक्रम में मिला और उसने कहा कि अभी मेरा मेरठ का मैं रहने वाला हूँ दिल्ली में फ्लैट लिया यहाँ बच्चों के लिए एडमिशन लिए यही रहता था पर आपने हाईवे बनाया तो मैंने फ्लैट बेच दिया मेरठ में मैंने बंगला बनाया अब मैं वहाँ रहने के लिए जाता हूँ मेरे बच्चे वहीं पढ़ते हैं और मैं गार से आता हूँ ऑफिस में मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब निकला और कब आया हूँ अब मेरठ ये दिल्ली का पार्ट बन गया तो नेचुरली इससे मेरठ का भी विकास हो रहा है और दूसरी ओर लोगों को जो एक प्रकार की सेवाएं देनी चाहिए जो हमारी जिम्मेदारी है हमने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया लोगों के आंखों में आंसू आते हैं मुझे पता है कि मैं जब दिल्ली मंत्री नहीं था और मेरी माँ का देहांत होने के बाद वो अस्थि लेकर विसर्जित करने के लिए मैं गया था टैक्सी लेकर इतना मुझे ट्रैफिक जाम में फंसा इस रोड से कि उस समय जो कोई मंत्री होगा उसके नाम से मैं काफ़ी नाराज़ होते हुए वहां तक पहुंचा कि ये कैसा एयरपोर्ट है इतनी तकलीफ होती थी कौन था मंत्री ना, ना, अब उस समय ये बात छोड़ दीजिए पर आज मुझे खुशी होती है कि जो इन्होंने कहा कि आज उनको माँ को मिलने के लिए एयरपोर्ट से उतर के तुरंत जाएगी उसमें से मुझे लगता है कि यही लोगों को समाधान देना और लोगों के लिए यही करना यही तो हमारे कर्तव्य है और यही हमने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया हमने हमारे कर्तव्यों को निभाया वही काम हमने करना चाहिए यही आपने आपने तो बीजेपी का वो दौर देखा है जब ऐसा लगता था कि बीजेपी कुछ भी नहीं जीत रही है और नागपुर में खास करके तो बिल्कुल कांग्रेस का गढ़ था तो ऐसा कोई वाक आपको याद है किसी ने कुछ कहा हो कि आप पार्टी में होगी यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला देखिए मैं आज तक 40 साल में हूँ मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को और अटल जी को अपना आइकॉन मानता हूँ मैं इमरजेंसी के कारण राजनीति में आया हूँ तो अभी तक 40 साल में मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए कोई आता नहीं पहुंचाने के लिए कोई आता मैं जेड प्लस में हूँ तो 40-50 पुलिस वाले रहते उनको मैं रोक नहीं सकता दूसरी बात मैं कोई कटआउट लगाता नहीं और अब मैंने ये कहा कि लोगों को कहो काम करो अच्छा लगेगा तो वोट देंगे नहीं तो नहीं देंगे दूसरी बात मेरे यहाँ कोई जात पात की बात नहीं करता मैं अगर बोला जात पात की मैं उसको बोलता हूँ मेरे से बात नहीं करना और कुछ कहता हूँ जो मैं आपको कह नहीं सकता <laughs> तो मैं ये बात मानता हूँ कि जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स इसके आधार की राजनीति करने के बजाय पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट इसके आधार पर हम बात करें जिसमें दम होगा वो ज़्यादा काम करेगा और जनता उसको साथ देगी तो मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड हूँ और इसलिए कुछ बातें मुझे पसंद मैं पब्लिक को बोल देता हूँ डायरेक्टली ये तुम्हारा काम होगा नहीं मैं करूंगा नहीं अब इसके बाद इसके लिए मत दूसरा काम बताओ तो मैंने अभी कभी झूठा आश्वासन नहीं दिया तो कभी कभी इसका फायदा भी होता है कभी नुकसान भी होता है पर लोगों को पता है तो सुबह मेरा मालूम हो गया तो लोग समझ जाते हैं तो कोई ऐसा नहीं जो पहले कहता था कि आप नहीं सकते। सर मुझे नागपुर में ऑल पार्टी सपोर्ट है जैसे दिल्ली में पार्लियामेंट में हुआ क्योंकि मेरे यहाँ जब लोग मिलने के लिए आते दो दो हज़ार लोग मिलते जिस दिन में मिलने का दिन होता है मैं किसी को पार्टी नहीं पूछता जात नहीं पूछता धर्म नहीं पूछता उसका काम सही है कि नहीं है उतना पूछता हूँ और उसकी मदद करता हूँ और यही सही में राजनीति है जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स समाज कारण राष्ट्र कारण विकास कारण और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना यही तो राजनीति है और यही करनी चाहिए आप नितिन जी सड़कें तो अच्छी हो ही रही हैं हर कोई तारीफ कर रहा है पर एक शिकायत लोगों की यह भी है कि टोल टैक्स बहुत महंगा हो गया है इसके साथ ही आपने अभी चर्चा के दौरान कहा कि वो जो गुड़गांव तक की बस की जो आपने बात की मॉडर्न बस जिसमें सारी सुविधाएं रहेंगी अब अगर उसका किराया भी ज्यादा होगा तो शिकायत वही बनी रहेगी देखिए मैं मजाक में इसी होटल में इसी सवाल का एक दो बार जवाब दे चुका हूँ अगर आप ये कार्यक्रम यहाँ कर रहे हो तो होटल का बिल देना पड़ेगा और वो निश्चित रूप से लाखों में होगा हाँ फुकट में करने का ऑप्शन था रामलीला मैदान पर आप भी दो चेयर रख देते आप और हमारे बैठ जाते तो हो जाता था तो पहली बात आप याद रखिए इफ़ यू वॉन्ट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट और दूसरी बात ये देखिए कि पहले अगर मेरठ जाने के लिए अभी बहन जी बात कर रही थी इनको साढ़े चार घंटे लगते थे अब 45 मिनट 40 मिनट लग रहे हैं तो 45 मिनट और साढ़े चार घंटे में डीजल की पेट्रोल की बचत कितनी हुई टाइम का कितना सेविंग हुआ तो उसके बदले में थोड़ा तो अभी मैं लाखों करोड़ के रोड बना रहा हूँ अब बजट बजट दो लाख करोड़ का है मेरे पास पर उसके साथ मैं पाँच छः लाख करोड़ के बना पा रहा हूँ तो कुछ प्रोजेक्ट वायबल है कुछ नहीं है तो मुझे अगर वो काम करना है तो पैसा लगेगा और पैसा है तो मुझे अब लोगों से पैसा मैं खड़ा कर रहा हूँ मुझे गरीब लोगों से पैसा भी मैं हमारा इनविट करके बॉन्ड है मैंने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमने लॉन्च किया दस दिन का टाइम रखा था मैं गोवा था और दस दिन के बाद वो बेल बजा कर वो बॉन्ड क्लोज करना था और कार्यक्रम होने वाला था पहले दिन सात घंटे में हमारा बॉन्ड सेवन टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ और हमने कहा कि हम अब आपको 8.05 इंटरेस्ट पर ईयर देंगे और उसमें आपको बताता हूं कि मैंने रिटायर्ड लोगों के लिए पत्रकारों के लिए कर्मचारियों के लिए रिटायर्ड पेंशनर के लिए स्कीम खोली है 8.05 पॉइंट जीरो फाइव परसेंट इंटरेस्ट और हर महीने में इंटरेस्ट उनके बैंक अकाउंट में जमा होगा अब कौन सी बैंक इतना इंटरेस्ट दे रही और मैं उनको अगर इंटरेस्ट दूंगा पैसा खड़ा करूंगा तो मैं टोल नहीं लगाऊंगा तो सब काम कैसे कर पाऊंगा? यही उसका प्रश्न चलिए एक आखिरी सवाल सर नमस्कार मैं झारखंड के पलामू ज़िले से आता हूं सर मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो एन एच सेवेंटी फाइव टू लेन से फोर लेन किया उसके कारण सर पलामू से रांची जाने में पाँच घंटे लगते थे अब उसकी दूरी दो घंटे हो जाएगी सर हमारे यहाँ स्वास्थ्य का कोई हॉस्पिटल नहीं है और बुनियादी सुविधाएं नहीं है जिसके कारण डेली कम से कम पाँच से दस लोगों की मौतें हो जाती है मैं सर आपसे निवेदन करता हूँ कि उसका काम सर वन बाई थर्ड हो चुका है उसमें थोड़ा अगर स्पीडअप हो जाए तो एक वहाँ के लोगों के लिए आपकी योजना वरदान साबित होगी और आपको मैं सभी लोगों मैं की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा सर परसों रांची और जमशेदपुर में एक डबल डेकर ब्रिज के निर्माण के बारे में उसके भूमि पूजन के लिए जा रहा हूँ और और बड़े दस बारह हज़ार करोड़ के पंद्रह हज़ार करोड़ के काम का शुभारंभ है आपने जो कहा वो काम की स्पीड क्यों कम है वो देखते हुए उसको ज़रूर फॉलोअप करके बढ़ाने की कोशिश कर तो आप परसों प्रांची जा रहे हैं अभी अब यहाँ से आ रहे हैं अभी अभी बाकी लोगों के बारे में पता चलता रहता है कि वो कितने घंटे काम करते हैं आप कितने घंटे काम करते हैं सर मैं रात को सुबह अब मेरी काफ़ी मैं बड़ा रेगुलर डिसिप्लिन लाइफ था मेरा hmm. पर अभी मैं कोविड के बाद बहुत ही है मैं सुबह उठ के एक घंटा सवा घंटा प्रणाम करता हूँ और ब्रेकफास्ट करता हूँ साढ़े नौ दस बजे काम को लगता हूँ फिर मैं रात को साढ़े नौ दस बजे तक काम करता हूँ और दस बजे फिर दोस्त मित्रों के साथ रोज़ कहीं ना कहीं खाने के लिए रात को जाऊँ अभी खाना कम करता हूँ hmm. पर मेरे खाने के ऊपर की नीयत कम नहीं हुई है कभी चाइनीज कभी ये और फिर रात को सोता हूँ मैं संगीत सुनता गीत सुन मेरा अपना खुद का लाइफ बहुत अलग टाइप का है और मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ तो मैं कभी पढ़ता हूँ कभी सुनता हूँ कभी गजल सुनता हूँ अभी दो तीन गीत मैं मुझे बहुत पसंद आए है जैसे वो आशिकी का कुमार शानू का गीत था ना वो मैंने हुँ। देखा हुँ। फिर वो, वो जो नया लड़का है टोपी पहना वो जो आ, अपना इसमें है ये नवटियाल नहीं वो जो एक लड़की और वो जो अपने इसमें ये इंडियन आइडल में है hmm. उसने राज कपूर का जो गाना गाया वो रणधीर कपूर के उपस्थिति में यूट्यूब पे आता है तो मैं वो बहुत बार अभी आते हुए भी, भी सुन रहा था तो मैं संगीत सुनता हूँ गजल सुनता हूँ का, काफी काफ़ी बातों में साहित्य कभी आता है तो वो पढ़ता हूँ कभी सम्मेलन देखता हूँ तो आनंद से मैं अक्सर लोगों को बोलता तो बताता हूँ कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट ट्राई टू इन्जॉय इट आनंद से रहो काम करो खुद भी खुश रहो और लोगों को भी खुश करो इसी नोट पर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को खुश करने के लिए लोग आपके रोड से भी खुश देख रहे हैं और आलू पराठे का दिल्ली में कुछ करते हैं थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया गडकरी जी इतना वक्त निकालने के लिए लेकिन कुछ समय और तो न्यूज एटीन इंडिया के चौपाल में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया उन्होंने इस दावे को खारिज किया कि बीजेपी सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है आप कह रहे हैं कि कोई उंगली नहीं उठ रही लेकिन उधर राहुल गांधी कह रहे हैं उंगली उठाने के लिए आप आवाज़ ही नहीं खोल रहे हैं हमारी माइक बंद कर देते हैं लोकतंत्र ही खत्म है तो कैसे उंगली उठेगी देखिए जो उन्होंने भाषण बाहर दिया हुँ. उसको लेकर हमारे लोगों के मन में भी भावना है और वो पार्लियामेंट का आज तक का इतिहास ऐसा रहा है कि विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी इनमें नोकझोंक होती रहती है वाद विवाद होते रहते हैं चर्चाएं होती रहती है और कभी कभी जब वो एक बात कर रहे हैं और हम एक बात कर रहे हैं तो दोनों की बात में आखिर स्पीकर साहब बोलते हैं ज़्यादा अल्लाह औरत तो और माइक बंद कर दो ऐसा है बाकी उसमें उनका आवाज थोड़े बाहर बोल सकते हैं बताते हैं चर्चा कर सकते हैं वो बाहर ही बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप चलें आप, आप बाहर बोले इसका मतलब हमने उनका आवाज़ नहीं बंद किया है <laughs> ये इसी बात को सिद्ध करता है कि वो बाहर बोल रहे हैं बोल सकते हैं तो नितिन गडकरी जो कि ये कहते हुए नजर आए कि देखिए किसी की आवाज नहीं दबाई जा रही है सरकार जो है सबका साथ सबका विकास करती है और उसमें विपक्ष की भी अहम भूमिका रहती है कितने उठाए कितने नहीं उठाए वो समय बताएगा लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये पॉसिबल है प्रदेश के लोग चाहते हैं कि दोबारा से हम लोग वहां पर काम करें और उस परिणाम पाने के लिए हम लोगों को जो करना है वो करना चाहिए राहुल अब ये बात नहीं कह रहे कि संसद को हाईजैक कर लिया गया है लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्ष में आज खड़ी हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है एनसीपी ये कह रही है उद्धव ठाकरे का गुट ये कह रहा है टीएमसी ये कह रही है आम आदमी पार्टी ये कह रही है लिस्ट में बस लंबी है देखो प्रजातंत्र चलती है बहुमत और सर्वमत के समन्वय में जी दायित्व किसको मिलेगा जिसको प्रजातंत्र में बहुमत मिलेगा चौदह और उन्नीस दो दो बार सारे चुनौती तो था कि मोदी हमारी सी की मीटिंग के सामने चाय बेचना चाहिए मणिशंकर मैं क्यों लू वो अच्छे रहे लेकिन उस मानसिकता क्या बिना अनुमति के कहा था क्या उसको कोई निंदा किया था क्या क्या प्रमुख परिवार के लोग उनके मालिक लोग उनको निंदा किए थे ऐसे नहीं कहना चाहिए तब से लेकर आज तक सामंतवादियों के मन में एक पीड़ा है ये गरीब घर का लड़का जिसकी मां दूसरों के घर में बर्तन माज रही थी जिसकी पिताजी रेल स्टेशन पे चाय बिक्री कर रहा था उस पृष्ठभूमि की व्यक्ति कैसे आके देश की आस्था जीत रहा है विश्व की आस्था जीत रहा है यह इंटॉलरेंसी है इसी से भाई लोगों ने आदेश दिया है सेवा करने, करने का मौका हमें मिला है जी आप असहमति प्रकट कर सकते हो इसमें कोई आपत्ति नहीं ये है फोरम है डिबेट है चर्चा करो हम सबके लिए तैयार है कांग्रेस सांसद शशि थरूर का और उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी रीमा प्रसाद सबीना तामंग और शिवानी पायलट राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी लेकिन क्या वजह है कि चुनाव दर चुनाव ये पार्टी पिछड़ती जा रही है सिमटती जा रही है अब चूंकि हम 2023 में हैं और 2024 के मुहाने पे खड़े हैं यानी लोकसभा चुनाव बेहद करीब है तो सबीना आज हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के इतने दिग्गज अगर चेहरा है